बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम त्रिवंदकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामतात्। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मृत्युंस्मृत संसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्तव माहो रजसतम। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तात्पर्य, चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा से निष्ठावान व्यक्ति कर्मक्ष ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसा कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण श्री कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाशा सब भाव जा सातिवकी राजसी चैव तामसी चेति ताशरणो। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इनके विषय में मुझसे सुनो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति साक्षात चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संस्कृत में रहता है अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह कर्मक्ष अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही
व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उस तद्गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सत्वानु रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयो य पुरुषो यो यजद्र सव एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, राजस अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलत इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वृद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संस्कृत में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृतम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलत वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः हम भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मक्ष से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्णा भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्णा भावनामृत में स्थित हो, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलत सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृतम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते, शुद्ध सत्य दिव्य होता है। शुद्ध सत्य में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतः हम किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार के विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित हो रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा को विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यजन्ते सात्विका दिवान्यक्षर श्रांसी राजसा प्रितांत भूतगणा श्रायने यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षरों या राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न
ब्रह्म कार्यों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी है वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला ही उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। उसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी है, अंधकार में है। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्य विशुद्ध वसुदेव शबितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं वे दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निरंकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अनंत भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्मा का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अंत वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अंत समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अशास्त्र विहीन धोर तपयन्ते ये तपो जना, दम्बाहडकार संयुक्ता काम राग बलानिवता, कर्ष्यन्त शरीर सथ भूत ग्रामम चेतस, माचेवान्त शरीर सथ तानिव श्रयासुर निशयान। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से
उपवास करना शास्त्रों में वर्जित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे विभिन्न रूप से असुरी हैं, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बनाया, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है, उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वाद्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतम शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं, फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भवबंधन से छुटकर अतो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आहार सत्यवती सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ सत पसत दान देशा भेद मिम शृणु। यहाँ तक के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य को चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। आयु सत्त वला रोग सुख प्रीति विवधरना रस्या सित्रा गदा सिथरा हरध्या हरा सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, सिंदंग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
कटब मल्लवणातयूषण तीक्ष्ण रुक्ष विदायन आहार राज ससरिष्ठा दुख शोकामय प्रदा आध्यन आध्य अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यातयाम गतर्म पुति पर्युषित च यत उचिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसी प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी लोग होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वास्थ्य से ही स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श्य पदार्थों से सर्वदा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन सिंदग्ध पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उसे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंकृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है। वह आमाशय की उपश्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यत बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसे दुर्गंध आती है जिसे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता जो वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उद्दिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां
आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्तर, पुष्प, फल, तोयम निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से चढ़ाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः हम भोजन को रोगानुरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अफलाकाड श्री ब्रीवर्ग्यो विधि दृष्टो यजते यष्ट वयमेवेति मन समाधाये स सात्विक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशों अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर नहीं किए जाते, भौतिक लाभ की दृष्टि को रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुणी में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाएं, भगवान को नमस्कार करें, फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चक विग्रह को नमस्कार करके जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय।